reasons to doubt. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't eat my soul. You can't get to me. तो हम पहुंचे बहरीन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए, और सबसे मज़ेदार कंपटीशन का इलाका वो है बहरीन इंटरनेशनल सर्किट। बहरीन इंटरनेशनल सर्किट काफ़ी दूर है मेन सिटी से बहरीन में, और इंटरनेशनल सर्किट बहरीन का पूरा वर्ल्ड का फेमस है फार्मूला वन रेसिंग कार्स का। जब यहाँ पे इवेंट होता है रियली बहुत मज़ा होता है, और मैं तो रेसिंग कार्स एज ए इंजीनियर और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, रेसिंग कार तो मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है और मुझे बहुत मज़ा आता है रेसिंग कार। मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे आते हैं, और मिडिल ईस्ट के लोग तो एवरी वीकेंड यहाँ पे इस जो है कंपटीशन को देखने के लिए यहाँ पर, और जब इसका ग्रैंड प्रिक्स होता है तो पूरा का वर्ल्ड यहाँ पे पहुँचता है मैक्लारेन फॉर्मूला वन फेरारी की रेसिंग को यहाँ देखने। मेरा तो एक बहुत शौक है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे एज ए इंजीनियर कि मैं एज अ कॉम्पटिशन को, एज अ फॉर्मूला वन कॉम्पटिशन को, फेरारी का कॉम्पटिशन को, मैक्लारेन का कॉम्पटिशन को बहुत इंजॉय करता हूँ, और रियली बहुत मज़ा आता है। बहरीन का टूरिस्ट अट्रैक्ट करने का एक और भी रीज़न बहुत बड़ा था कि ये एक हब बनाना चाहते थे टूरिस्ट का, क्योंकि टूरिज़्म आजकल बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बिजनेस एस्पेक्ट बन चुका है। अदर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं, जैसे यूएई ने वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर बनाया, बुर्ज खलीफा वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉल बनाया, सबसे बड़ा दुबई लैंड बना रहे हैं डिज्नीलैंड को कम्पीट करने के लिए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं। तो बहरीन भी पीछे नहीं रहा, और बहरीन ने बनाया वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटरनेशनल सर्किट, वो है बहरीन इंटरनेशनल सर्किट। बहरीन इंटरनेशनल सर्किट जो है मुझे इसलिए इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया है क्योंकि ये इतना सिंपल सर्किट नहीं है, जो कि आप एलिप्टिकल शेप में जा रहे हो या फिर एक राउंड करके आ रहे हो। ये इसमें टेरेन भी दिया हुआ है उसने, जिसमें आप जो कंपटीशन होता है उसमें व्हीकल टेरेन में भी जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे लैंड रोवर का भी एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे भी होता है, जो कि बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में प्रोवाइड करते हैं। बहरीन इंटरनेशनल सर्किट की सबसे यूनिक चीज़ ये भी है कि इसका यूनिक जो डिज़ाइनिंग है, जो सर्किट का डिज़ाइनिंग है, वो पूरा का पूरा वर्ल्ड को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है कि इस यूनिक सर्किट को देखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए और कंपटीशन का मज़ा लेने के लिए। शायद ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ पे बहरीन इंटरनेशनल सर्किट आकर के, और रियली में बहुत इंजॉयबल है, बहुत मज़ा है। चलो अपना वोयाज ये आगे बढ़ाते हैं और शॉप करते हैं हम लोग यहाँ पे बहरीन में मनामा सूक। हम लोग पहुँचे मनामा सूक की लोकल गलियों में और लोकल शॉप्स में, बहरीनी शॉप में, और ढूंढने के लिए एक से एक और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट बहरीन का प्रोडक्ट्स। तो हम पहुँचे वैली एम्पोरियम में, यहाँ पे यहाँ का हर एक प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है वो लोकल बहरीन में बना हुआ है। बहरीन में जब हम शॉपिंग करने के लिए निकले, रियली बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस हुआ। मनामा सूक जिस तरह से नाम है इसका, उस तरह से रियली ब्यूटीफुल भी है, और रियली प्रोडक्ट्स, एक से एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिले हमें शॉपिंग करते हुए। हमने देखा कि जीसीसी के जो कंट्रीज का जो शॉप्स होता है, रियली जो गोल्ड कलर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गोल्ड कलर की कार्विंग होती है, यहाँ के जीसीसी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होते हैं। हमने तो देखा यहाँ करके कि इतना ब्यूटीफुल मार्केट और इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स,
प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है डाइवर्सिफिकेशन में। आगे चल करके देखते हैं मनामा सुख और कितना फेमस है अपने इस प्रोडक्ट्स के लिए और अपने इस पूरे के पूरे शॉपिंग एरिया के लिए, जो कि बहरीन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट है। बहरीनी मार्केट भी यहाँ कहते हैं। चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मनामा सुख। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, और हमसे पहली बार मिले हो तो सब्सक्राइब करो।